यूक्रेन और रूस की जंग में जमीन से लेकर आसमान तक पिछले 19 महीनों से बारूद बरस रहे हैं, लेकिन अब ब्लू जोन में सबसे बड़ा बारूदी बवंडर भी मचने जा रहा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की ब्लैक सी में अपने जहाजों को उतारने का ऐलान करके पुतिन को खुला चैलेंज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नेटो बाल्टिक में बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहा है। माना तो ये जा रहा है कि नेटो देश ब्लू जोन में एक साथ 30 वॉरशिप उतारकर पुतिन को विध्वंसक कदम उठाने को मजबूर कर रहे हैं। क्या समंदर में सबसे बड़ी सुनामी आने वाली है? इस खास रिपोर्ट से समझिए। ब्लू जोन में सबसे बड़ा बवंडर मचने जा रहा है। ब्लू जोन में एटमी गदर की शुरुआत हो सकती है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अब ब्लैक सी में जबरदस्त तरीके से आमने सामने आ गए हैं। ब्लू जोन में सबसे बड़े विध्वंस की तैयारी शुरू हो चुकी है। ब्लू जोन में अब रूस के अमेरिका से सीधे टकराव के हालात बन गए हैं। रूस और अमेरिकी खेमे के बीच नीले समंदर में सबसे बड़ा गदर मचने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने जब से यह ऐलान किया है कि यूक्रेन के दो जहाज ब्लैक सी से गुजरेंगे, तभी से ब्लैक सी में तनाव बढ़ गया है। ब्लैक सी रूस का अभेद किला माना जाता है। एक महीने पहले ही पुतिन ने ऐलान किया था कि अगर यूक्रेन का कोई भी जहाज ब्लैक सी से गुजरेगा तो वो उसे तबाह कर देंगे। पुतिन ने ऐलान उस समय किया था जब यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर ड्रोन अटैक किया था। रूस को डर है कि यूक्रेन के शिप उसके ब्लैक सी फ्लीट को टारगेट करेंगे। यही वजह है कि रूस ने उन्हें तबाह करने की धमकी दी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की पुतिन की धमकियों से बेपरवाह होकर अपनी दो शिप को ब्लैक सी में भेजने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर रूस ने यूक्रेन की शिप को तबाह कर दिया तो ब्लैक सी में विध्वंस का सबसे बड़ा बवंडर उठेगा, जिसकी ज्वाला से नेटो देश भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए नेटो देशों ने पुतिन के विस्फोटक प्रहार से पहले ही बड़ा फैसला ले लिया है। ब्लैक सी में नेटो पहले से ही युद्धाभ्यास कर रहा है। आप पुतिन के विध्वंसक हमलों को रोकने के लिए यूरोपीय देश बाल्टिक सी में बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। बाल्टिक में नेटो देशों का सैन्य अभ्यास 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास की अगुवाई जर्मनी करने जा रहा है। इसमें अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन के अलावा बेल्जियम, कनाडा और नीदरलैंड शामिल होंगे। युद्धाभ्यास में लगभग 30 युद्धपोत और 3,000 से अधिक सैन्य कर्मी भाग लेंगे। जर्मनी का कहना है कि बाल्टिक में इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस के संभावित हमले से यूरोपीय देशों की सुरक्षा करना है। वहीं युद्धाभ्यास के जरिए नेटो देश ये तैयारी भी कर रहे हैं कि ब्लू जोन में रूसी हमले का जवाब कैसे दिया जाए। इस युद्धाभ्यास के लिए अमेरिकी नौसेना मैसा वर्डे जहाज को भी भेजेगी, जिसके जरिए 800 से ज्यादा नौसैनिकों को समंदर में घातक जंग के लिए उतारा जा सकता है। लगभग 18 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान रूस ने अक्सर मिसाइल और ड्रोन हमलों से ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन को निशाना बनाया है। ब्लैक सी में बढ़ते बारूदी टकराव को देखते हुए ये काला सागर रूस और नेटो दोनों के लिए जंग का एपिसेंटर बन गया है।
अगस्त की शुरुआत से ही ब्लैक सी में दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। रूस का दावा है कि काला सागर में यूक्रेन और नाटो की तरफ से बढ़ते खतरों का मुकाबला करने के लिए रूस ने सभी तैयारियां कर रखी हैं। काले सागर में रूस के विनाशकारी जहाजी बेड़े पहले से ही तैनात हैं। अब रूस ने ब्लैक सी में जबरदस्त तरीके से तैनाती बढ़ा दी है। रूस ने कहा है कि वो ब्लैक सी में अपने सुरक्षा हितों से कोई समझौता नहीं करेगा और नेटो के हर एक्शन का माकूल जवाब देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लैक सी में बढ़ता बारूदी टकराव महातबाही का संकेत है। ब्लैक सी में कभी भी एटमी विस्फोट हो सकता है। ब्लैक सी में रूस ने कई युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, जिनमें से कुछ युद्धपोत कैलिबर मिसाइलों से लैस है। ब्लैक सी में रूस का अंडर वाटर पोसाइडन टॉर्पीडो भी तैनात है। वहीं ब्लैक सी के इर्द गिर्द मौजूद एयरबेस पर भी रूस ने एटमी बॉम्बर्स भेज रखे हैं। उधर नाटो ने भी ब्लैक सी में अपने विध्वंसक फ्लीट को उतार रखा है। ब्लैक सी अब न्यूक्लियर अड्डा बन चुका है। ब्लैक सी में मिसाइलों से लैस रूसी युद्धपोत यूक्रेन की मिलिट्री पोजीशंस पर पहले से ही आग बरसा रहे हैं। जहां रूस ने काला सागर में एटम बम से लैस समुद्री जल योद्धा को उतार दिया है, तो वहीं बाल्टिक सी में रूस के परमाणु अड्डे को तबाह करने के मकसद से अमेरिकी बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। मौजूदा हालात इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में ब्लैक सी या बाल्टिक सागर में बड़ा कोहराम मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।